नमस्कार दोस्तों, आपने शिव के रूप को तो जरूर देखा होगा। शिव दिखने में कितने आकर्षित हैं, जैसे कि भगवान शिव तीसरी आंख वाले हैं, उनके गले में सांप है और उनके सर पर चंद्र है जिसमें गंगा, शुद्ध गंगा भी विराजमान है, और हाथ में त्रिशूल और डमरू भी लिए हुए हैं और नंदी की सवारी करते हैं। भगवान शिव की ये अनुभूति देखकर ही मन खुश हो जाता है। कहते हैं भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव का गला नीला है। तो आज हम जानेंगे कि भगवान शिव का नीलकंठ नाम किन कारणों से पड़ा। भगवान शिव के इतने नाम हैं कि उनके नाम गिने भी नहीं जा सकते। आप भी नहीं जानते होंगे भगवान के इतने नाम हैं। भगवान को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नाम ज़्यादा ही मशहूर है। लेकिन नीलकंठ नाम किस कारण से पड़ा, ये एक धार्मिक ग्रंथ के अनुसार ही बताया जा सकता है। नीलकंठ नाम उनके गले के कारण तो पड़ा, लेकिन उसके पीछे कुछ वास्तविक कथाएँ भी हैं जिस कारण से भगवान शिव का नीलकंठ नाम पड़ा। आज हम जानेंगे भगवान नीलकंठ की कुछ कहानी और कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि एक क्षीर सागर नदी थी जिसमें समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में कुछ लाभदायक चीज़ें भी निकली थी और कुछ उसके साथ विष भी निकला था। अमृत भी था और विष भी था। जो देवता बड़ी चतुराई से अमृत को अपने साथ लेकर गए और उसके साथ जो विष निकला था उसकी वजह से सभी पूरे ब्रह्मांड पे कंपन सी छा गई। सभी देवता, जितने भी देवता थे और जितने भी शत्रु थे, वो सभी डर गए। इतना खतरनाक विष है जो कि अगर इसकी बूंद एक ब्रह्मांड पर भी गिर जाती है तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। इस कारण से वह समाधान ढूंढते हुए, भगवान शिव के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वह कितने ही दयालु थे, तो उन्होंने उस समस्या का समाधान यह निकाला कि उन्होंने पूरा घड़ा उठाकर अपने मुख से लगा लिया और मुख से लगा के पूरा विष पी गए। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, उसे गले में ही रखा और जिस कारण से उनका पूरा गला नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान शिव की इतनी भी कथाएं हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शिक्षा ही मिलती है, जिससे हमें कुछ सीखने को ही मिलता है, जिससे हमें भगवान शिव के गुणों के बारे में भी जानने को मिलता है और आध्यात्मिकता का भी ज्ञान होता है। भगवान शिव ने इस घातक विष को अपने अंदर ग्रहण किया, सर्वनाश होने से बचाया। कहते हैं इस दिन को हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि के रूप में इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का इस दिन विवाह हुआ था, इसलिए भगवान शिव की शिवरात्रि, भगवान शिव की शिवरात्रि हम लोग फागुन महीने में कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाते हैं। तो ये है वह कारण जिस कारण से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।